हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक इंडिया फॉर यू पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज में अपडेट्स को हम कैसे इनेबल या डिसेबल करेंगे, क्योंकि कभी कभी विंडोज में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि हमको विंडोज अपडेट डेली बेसिस पे अब डाउनलोड और इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जब भी इंटरनेट हमारा कनेक्टेड रहता है सिस्टम में, तो डेली बेसिस पे ये अपडेट्स हमारे सिस्टम में डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना शुरू हो जाते हैं, और इनको अप्लाई करने के लिए हमें सिस्टम रीबूट भी करना पड़ता है, और रीबूट होने के बाद ये इंस्टॉल होना शुरू होते हैं, जिसमें कि कभी कभी सिस्टम को हमें जल्दी से बूट करना होता है या पावर ऑन करना होता है, लेकिन सिस्टम डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग अपडेट्स पे स्टक हो जाता है काफ़ी देर के लिए, और हमें ये कभी कभी बहुत इरिटेशन पैदा कर देता है। तो आज हम एक ऐसा टूल देखेंगे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर देखेंगे, जिससे कि हम विंडोज अपडेट को अपने अकॉर्डिंग इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हम जब भी चाहें विंडोज अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे विंडोज अपडेट इंस्टॉल करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पे ये हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है। हम इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मंथ में दो बार या तीन बार या वीकली हम अपडेट कर सकते हैं, और इसको कैसे शेड्यूल करेंगे हम अपने हिसाब से आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये मेथड आपका विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों पे सपोर्ट करेगा ये सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको बताता हूँ ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या नाम है सॉफ्टवेयर का। तो चलिए हम साइट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे, और ये रहा ये सॉफ्टवेयर। साइट का नाम है sorghum.org। इसका सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप ये लिंक ओपन करेंगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने आएगा। देख लीजिए, इसका सॉफ्टवेयर का नाम है विंडोज अपडेट ब्लॉकर वर्जन 1.8। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे हम डाउनलोड करने के लिए, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इस तरीके से डाउनलोड बटन आएगा सामने, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड्स में ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ये डाउनलोड फोल्डर में बाय डिफॉल्ट जाएगा। इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, और कट करके अपने सिस्टम पे एक फोल्डर बना लेता हूँ विंडोज अपडेट ब्लॉकर। इस नाम से मैंने फोल्डर बना लिया है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको राइट क्लिक करके सॉफ्टवेयर को इसमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आपका विनजिप या विनरार सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन हो जाएगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं भी है तब भी फोल्डर की तरह ये आएगा, और आप इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये देखिए, फोल्डर में एक्सट्रैक्ट होके आ गया। इसको मैं ओपन करूंगा डबल क्लिक करके, तो आपके सामने ये दो फाइल्स आएंगी। ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, और ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। तो जैसे कि मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, विंडोज 11 भी 64 बिट में ही अवेलेबल है, लेकिन किसी का बहुत पुराना विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो 32 बिट में रेयर केस में हो सकता है, लेकिन जनरली आपको 64 बिट में ही मिलेगा। आप इसको कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे दिस पीसी। दिस पीसी में जाने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं, और राइट क्लिक करेंगे, ब्लैंक स्पेस में प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम टाइप में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64, यानी कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा। तो मुझे अगर विंडोज अपडेट डिसेबल या इनेबल करने हैं तो इस सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ से रन करूँगा x64 बिट वाली फाइल पे। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आप ये वाली फाइल को रन करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को रन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो विंडोज अपडेट्स में मैं जाता हूँ, विंडोज अपडेट सेटिंग्स में सर्च करेंगे यहाँ पे। जैसी विंडोज अपडेट आप डालेंगे, विंडोज अपडेट सेटिंग यहाँ पे आ जाएगा। ओपन पे क्लिक करेंगे, और आप देख रहे हैं अभी मेरा सिस्टम ऑलरेडी अपडेटेड है, लेटेस्ट अपडेट्स ने चेक किए हैं, आज ही टुडे दिखा रहा है, और 7:21 PM यानी अभी 7:30 हुआ है। आप क्लॉक में देख सकते हैं मेरे सिस्टम पे, अभी अभी मैंने सारे अपडेट्स इसके लेटेस्ट इंस्टॉल किए हैं। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करके, कि अभी भी कोई अपडेट्स अगर पेंडिंग है तो ये आपको दिखाएगा।
तो अभी आप देख रहे हैं मेरे सिस्टम पे अपडेट इनेबल्ड है। अब अगर मुझे चाहिए कि मैं इसको डिसेबल कर दूं तो हम अब सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। देखिए फिर से माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का अपडेट ये इंस्टॉल करने लगा। तो इसी तरीके से विंडोज हमारी कभी भी अपडेट हो जाए लेकिन फिर भी न्यू अपडेट्स डाउनलोड होते रहते हैं। अभी मुझे इसको स्टॉप करना है यानी अपडेट डिसेबल करना है, तो कैसे करूंगा मैं? चलिए हम अपने सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब मैं अपने सॉफ्टवेयर जहां पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कराया वहां चला गया हूं और इस फाइल को राइट क्लिक करूंगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाऊंगा, यस करूंगा। यस करने के बाद आप देखिए इनेबल अपडेट है। अभी इनेबल करने के लिए इनेबल अपडेट ऑप्शन का चूज करेंगे और डिसेबल मुझे करना है जैसे कि, तो मैं इस ऑप्शन को चूज करूंगा डिसेबल अपडेट्स और ये टिक मार्क लगा रहेगा इस बॉक्स के अंदर प्रोटेक्ट सर्विसेज सेटिंग्स ऑप्शन पे, ये टिक मार्क आपको लगा के रखना है और फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये सर्विसेज स्टेटस अभी ग्रीन से देखिए रेड में कन्वर्ट हो गया, क्रॉस बन के आ गया। पहले टिक मार्क लगा था ग्रीन पे यानी कि हमारी सर्विसेज अभी डिसेबल्ड हो चुकी हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं जाकर के विंडोज अपडेट में। अभी हम हैं यहाँ पे, मैं फिर से विंडोज अपडेट चेक करूंगा एक बार, इसको हम दोबारा से खोल लेते हैं। विंडोज अपडेट सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे और चेक फॉर अपडेट करूंगा मैं यहाँ से, देखते हैं इस बार। देखिए इस बार एरर आ चुका है, एरर रिकॉर्ड। तो हमारा जो अपडेट हमने डिसेबल किया है सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो हमारा काम कर रहा है यानी कि विंडोज अपडेट हमारे डिसेबल हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ रहा है बार बार, अब हमारे अपडेट्स यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। तो ये कैसे काम करता है सॉफ्टवेयर, इसका मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स रहती हैं जो अप्लाई हो जाती हैं सॉफ्टवेयर को रन करते ही, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ सर्विसेज के थ्रू ये डिसेबल करता है, तो सर्विसेज मैंने ओपन कर ली विंडोज की। यहाँ पे आप देखेंगे विंडोज अपडेट सर्विस जो है और ये वाली सर्विस जो है, ये दोनों सर्विस देखिए डिसेबल्ड है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे स्टार्टअप टाइप आपका डिसेबल्ड दिखा रहा है यानी विंडोज अपडेट सर्विस जो है वो डिसेबल कर दी है हमारे इस सॉफ्टवेयर ने। बाय डिफॉल्ट ये दोनों सर्विसेज विंडोज 10 में इनेबल रहती हैं। अभी चलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके फिर से दिखा देता हूँ। अभी मैंने डिसेबल कर रखा है, मैं इसको वापस इनेबल कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ये देखिए सर्विस इनेबल्ड हो चुकी है, ग्रीन टिक बन के आ चुका है। अभी हम वापस जाएंगे, इसको फिर से मैं खोल लेता हूँ services.msc को। यहाँ पे आप टाइप करेंगे services.msc, मैंने पहले से टाइप किया हुआ था तो ये आ गया है यहाँ पे रन में। विंडोज अपडेट सर्विसेज को मैं आपको दिखाऊंगा, पहले डिसेबल था, अभी आप देख सकते हैं ये रनिंग में है और ऑटोमेटिक मोड में है। ये देखिए इनेबल्ड है, पहले ये डिसेबल था, इस पर डबल क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑटोमेटिक है अभी और इनेबल स्टेटस यहाँ पे आ रहा है इसका। अभी मैं विंडोज अपडेट भी आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं रिट्राई करूंगा, इस बार ये एरर नहीं देगा और विंडोज अपडेट को चेक करेगा। ये देखिए इस बार एरर नहीं आया और मैं फिर से चेक करके दिखाता हूँ एक बार आपको, और विंडोज अपडेट्स ये चेक कर रहा है यानी कि अपडेट्स अभी हमारे इनेबल्ड हैं। देखिए ये आ रहा है, अब मैं फिर से इसको एक बार डिसेबल करके दिखाता हूँ आपको। मैं अप्लाई नाउ कर देता हूँ, ये देखिए अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं फिर से विंडोज अपडेट को चेक करूंगा वापस, ये देखिए फिर से अपडेट्स हमारे डिसेबल हो चुके हैं। सर्विसेज में मैं जाके देखूंगा दोबारा, services.msc ओके करूंगा, विंडोज अपडेट नीचे स्क्रॉल करके जाऊंगा मैं। ये देखिए विंडोज अपडेट सेटिंग डिसेबल्ड पड़ी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेबल्ड। और दूसरी सर्विस जो है विंडोज अपडेट मेडिक सर्विस, ये भी आपकी डिसेबल्ड है।
तो विंडोज 10 पे हमने ये पर्टिकुलर करके देखा, चलिए अब हम विंडोज 11 पे चलते। तो हम आ गए हैं अपने विंडोज 11 सिस्टम पे और हम देखेंगे इस पे प्रैक्टिकल करके सेम सॉफ्टवेयर से। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर, इसको भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको, चलिए डाउनलोड कर लेते हैं इसको, ऐड आ रहा है इस पे, क्लोज कर देंगे हम इसको। सॉफ्टवेयर देखिए डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है, ओपन कर लेते हैं हम फाइल एक्सप्लोरर में। हमारा डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये डाउनलोड हो चुका है। चलिए पहले हम सर्विसेज चेक कर लेते हैं। ये देखिए विंडोज अपडेट मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है, इस पे चेक फॉर अपडेट करूंगा मैं। अभी मेरे अपडेट्स देखिए इनेबल्ड हैं, इस पे ये चेक कर रहा है। सर्विसेज में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू में, रन में जाएंगे, services.msc टाइप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, विंडोज अपडेट की सर्विस आप देखेंगे यहाँ पे ये रनिंग है, और डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक है और ये रनिंग मोड में है सर्विस स्टेटस इसका, यानी अभी ये हमारा सिस्टम अपडेट चेक कर रहा है और दिखा रहा है कि अपडेट अवेलेबल है। ये अपडेट दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का, और ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है 0% पे है अभी ये। अभी हम क्या करेंगे, ये अपडेट डिसेबल करेंगे अपने इसी सॉफ्टवेयर से। तो ये देखिए विंडोज 11 में मेरे कोई विंडार या विनजिप सॉफ्टवेयर नहीं है इंस्टॉल, तो ये फोल्डर की तरह आ रहा है। इसमें मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करूंगा, सेम लोकेशन पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और ये देखिए एक्सट्रैक्ट होके ओपन हो चुका है, फोल्डर ओपन करूंगा और यहाँ पे भी मैं x64 वाले सेटअप को रन करूंगा। इस पर राइट क्लिक करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा, और सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है। अभी देखिए इनेबल अपडेट ऑप्शन सेलेक्टेड है, मैं इसको डिसेबल अपडेट कर देता हूँ और यहाँ चेकबॉक्स ऑटोमेटिक लग जाता है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए स्टेटस सर्विस का डिसेबल्ड हो चुका है। और मैं फिर से एक बार विंडोज अपडेट सेटिंग्स को खोल लेता हूं। चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करूंगा, देखिए इस बार एरर आ गया है यहाँ पे भी, देयर वॉज सम प्रॉब्लम इंस्टॉलिंग अपडेट्स बट वी विल ट्राई अगेन लेटर। इफ यू कीप सीइंग दिस एंड वॉन्ट टू सर्च द वेब और कॉन्टेक्ट सपोर्ट फॉर द इंफॉर्मेशन दिस मे हेल्प, एरर नंबर आपको दे रहा है, यानी कि हमारा विंडोज अपडेट विंडोज 11 के ऊपर भी डिसेबल हो चुका है सक्सेसफुली। अभी हम एक बार और आपको दिखा देते हैं रिट्राई पे क्लिक करके। ये देखिए लास्ट चेक इसने किया था 739 पे अपडेट, और दिखा रहा है एरर एनकाउंटर्ड हुआ है। तो सक्सेसफुली विंडोज 11 पे भी ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, हम अपने अपडेट्स इनेबल और डिसेबल कर पा रहे हैं। मैं आपको सर्विसेज भी दिखा देता हूँ फिर से एक बार रन करके, राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट मेनू पे, रन खुलेगा इसमें services.msc टाइप करेंगे कमांड, और स्क्रॉल डाउन करके विंडोज अपडेट सर्विस चेक करेंगे। ये देखिए डिसेबल्ड हो रखी है यहाँ पे, स्टार्टअप टाइप स्टॉप्ड है सर्विस का। अभी वापस अगर हमको इनेबल करना है सर्विस, फिर से जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर पे और इसको इनेबल करेंगे, इनेबल अपडेट्स और अप्लाई नाउ कर देंगे। और अगर हम इसको रिट्राई करेंगे, ये देखिए चेक करने लगेगा फिर से, यानी सर्विस हमारी इनेबल हो चुकी है। ये देखिए फिर से अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल के लिए आ गया। तो हमने सीखा आज के वीडियो में कि विंडोज 10 और विंडोज 11 में
हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से विंडोज अपडेट ब्लॉकर जिसका नाम है, इससे कैसे विंडोज अपडेट इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिए। किसी को कोई समस्या आती है इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में तो वो अवश्य कमेंट करें, और सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए। जो भी व्यूअर्स नए आए हैं हमारे चैनल पे, कृपया हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सजेशन दीजिए अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो इसी तरीके के टेक्निकल अपडेट्स वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।